हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम सो के उठ गए हैं और मम्मी अभी चाय बना के लाएंगी, चाय पियेंगे, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। आज नहाना है हम लोग को। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड पापा, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। ये हम लोग की बिल्ली गाइस। आओ, गुड मॉर्निंग बोलो। से गुड मॉर्निंग। ए गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग। ए गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस। थोड़ा जा रहे बाहर घूमने, तो रूल के खिलाफ जा रहे हैं। चलिए ट्रिपल। अभी सुबह से फ्री नहीं थे, तो अभी आई फ्री हुए हैं। पापा की गाली खा के आए हैं। बाल कटवाने कटवाने हैं या काटने हैं, कटवाने तो देख सकते हैं। जानवर अभी इंसान बनने जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग की बैट तो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि पापा ने ऑब्जेक्शन कर दिया बीच में। नहीं, 10,000 बच गए मेरे गाइस, 10,000 बच गए। बताऊंगा, इतनी खुशी तो कभी नहीं होगी। 10,000 बच गए। दो तो सौ गाय, का 200 का बाल कटाना, 10,000 इसको देना। बच गए। तो इसको इतनी खुशी हो रही है, इसके 10,000 रुपये बच गए। तो रहा मेरा सवाल, मेरे तो आता ही नहीं, इसलिए कोई क्या बताए। कोई बात नहीं, फिर किसी और चीज़ पे बेट लगेगी तो बताएंगे, तब कभी वापस नहीं लेंगे, जब तक पीलेंगे नहीं साले को। वैसे भी शायद 2 महीने बाद हम बैट जीतने वाले थे, अगर पापा नहीं बोलते तो। फिर तेरा क्या होता कालिया? भगवान मेरे साथ। हाँ, भगवान के भरोसे पे हैं। आओ हाँ, बताई थी बताई थी। ने बाद लग रहा है सीजर। उस तरह से काटेंगे या किसी और से कटवाएंगे, बता। अगर तुम मेरे बाल काटोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन जरा सा भी कट लगा तो मैं तुम्हें तुरंत गोली मार दूंगा। चलो लगी बाजी इसकी। जहर का कहा है कैची यार, ये सुना सुनाया है। भाई नहीं, अब अलाउ 5 लाख मत देना है तुमका। करो, मैं तो इनका बोल रहे थे ना, सलून वाले का थे। हम बन जाएंगे भाई सुनो पांच ना, लाख के लिए। जरा सर वो काट दे तुम्हारे स्टॉक। हाँ, तो ये हुई है बाल काटने की शुरुआत। क्या हो, बस डैंड्रफ हो चुका है। वैसे 15 दिन से नहीं नहाया ना, साले सोलह मन दिन नहीं सॉरी था। गाइस, 16 दिन से भाई नहीं नहाया है, और बल्कि हम जंगल 4 दिन से गए नहीं थे नहाए हैं। मेरे मन। अबे तो 4 दिन तो हुआ ट्रिप, तो देख सकते हैं शक्ल कितनी हुई है। कुत्ते भी हमसे अच्छे लगते होंगे, है ना? नहीं, इसको जरूर रखें बैब। अब देख सकते हैं कौन सा पसंद करोगे। चिड़िया का घोंसला, अभी उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे हम लोग, और फिर ये भाई बुझाने की कोशिश करेंगे। बुझा तो ठीक है, वरना इसका बाल तो जल जाएगा। चल ट्राई कर, लेकिन 5 लाख चाहिए। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं किसी ने, 5 लाख चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ट्राई कर, 5 लाख दे दे। पूरा उड़ा दो पूरा।
बेके जो बोलो सर सर चलो बस 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 मार जैसे बन मारो हाँ मारे कुछ बढ़ जाए मजा आ जाए सर तुम बच्ची हो उसके लिए तुम अभी बच्चे हो ए चिकनी अबे अंडे चलाने ए चिकनी चिकनी ए चिकनी ए मेरी चिकनी चिकनी ए चिकनी चिकनी की अलग ही मुझे देख ये जा रहा है दो लोगों को मारने इतने गुस्से में है कि क्या बताए इसके गांड लाल हो चुके हैं मौका तो पता नहीं कुछ या देखो वो आ गया भोसड़ी का दो दिन से टहला रहा है इसको सरप्राइज देने के लिए आए थे इसकी जहर का तो ये हो गया फाइट एंड फाइट शुरू घूम पहले तो गाय मेरी तरफ से भी दो मार दो सकते हैं कि हमारे पास तीन सीट है हम भी बीच में बैठे हैं ड्राइवर हमको चलाने नहीं दे रहे हम पीछे नहीं जाएंगे लेकिन अबे कौन सा गियर लगा रहा है नहीं 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 गाइस गलत हो जाएगा मैं पीछे जाता हूँ हे गाइस हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और आज बाल वाल भी कटवा लिया है दाढ़ी वाड़ी भी सेट करा ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं डैनी से मिलने डैनी डैनियाल नहीं डैनी उसका नाम है ऋषि पवार पर हम डैनी बुलाते हैं उसे सब लोग डैनी बुलाते हैं वैसे गाइस काफी दिन बाद मेंटेन हुए हैं वैसे बहुत दिन क्या मतलब काफी दिन बाद भी जंगल से थोड़ी है नहीं गाइस रोज मेंटेन होते हैं बस वो शर्त लगी थी कि जब जो पहले बाल कटाएगा दाढ़ी बनवाएगा उसको 10,000 रुपए दूसरे को देने पड़ेंगे तो आज पापा ने डांटा तो शर्त गई भाड़ में हम पहले जाए दाढ़ी बनवा के आए क्योंकि पापा की बात नहीं काट सकते नहीं तो हम कट जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कटे तो आप कमेंट करके बताइए हमने शर्त डिक्लाइन करके अच्छा किया या बुरा ओके तो चलिए मिलते हैं गाड़ी में जा रहे डैनी से मिल तो है गाइस हम लोग निकल चुके हैं पर ज्यादा दूर नहीं यहाँ से कम 6-2-3 तो घर के ऊपर से मतलब 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस जाएंगे मिलेंगे देखते क्या होता है आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे तो डिस्कस होगा तो पहले थोड़ा मिल तो ले वैसे मिले ही थे 15 दिन पहले लेकिन फिर से अब आए हैं तो मिलना जरूरी है आप देखेंगे ब्लॉग में दोपहर में जिसको मार रहे थे बीच रोड में वही है वो डैनी क्योंकि हम उसको सरप्राइज करने आए थे और दो दिन से वो हम लोग को सरप्राइज करने में लगा दिया दो दिन से मिलने की कोशिश की जस्ट आए थे उस दिन हमने कहा सो मत हम लोग आ रहे घोड़ा बेच के सो ओ सो घोड़ा बेच के सो तो ये आया भाई की दुकान पे यहाँ डैनी डैनियास रहता है तो आज तो यहाँ मिलता है माउथ फ्रेशनर सबसे तगड़ा वाला जो डैनी ये है डैनी डैनियल की R15 देखिए रॉयल किंग और ये लाइट देखिए कितनी सेक्सी लग रही है नीचे क्या लिखा है ज़ूम कर लो वेटिंग फॉर क्वीन अगर किसी को मैं हूं अगर किसको पसंद आए तो कमेंट में बता देंगे नंबर देख लीजिए गाड़ी का नंबर डाल देंगे और ये बैजू बावरा जा रहा है टेस्ट ड्राइव लेने आराम से और एक आया फाइनली डैनी से मिल चुके हैं हम लोग अरे भी गोरा दिख रहा हूँ इसमें मैं भी गोरा दिख रहा हूँ कोई बात नहीं गाइस महंगा फोन है महंगा कैमरा है और दोनों भाई अभी जाएंगे थोड़ा मस्त मस्ती करने वड़ा पाव आजा आजा ए मत तो गाइस हम लोग का भारत मेला हो चुका है और हम जा रहे हैं कराड़ में साईनाथ का वड़ा पाव खाने हाँ यहाँ का सबसे फेमस वड़ा पाव है तो मूड नहीं था मम्मी घर में खाना बना रही है लेकिन फिर भी सोचा थोड़ा सा टेस्ट रखे और आपको ब्लॉग में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग मिले अगर आप कभी भी आते हैं तो उसके लिए ऐसी कोई बात आपको दिखाएंगे वड़ा पाव गाइस ये हमारा एक्सक्यूज आ गया एपी ढिल्लो
इतना एक्सक्यूज देता है कि एक्सक्यूज ही मर जाता है, आपने धारेश्वर व्लॉग में देखा होगा। अभी कोई एक्सक्यूज है क्या आपके पास भाई? नींद भाई दो दिन से इधर है, और एक पहले दिन तो हमको बोला कि मैं रिटर्न जा रहा हूँ, फिर डैनी डैनियल से पता चला कि भाई यही गोपचे में गोपचे कर रहे हैं। कुछ नहीं, नहीं थोड़ा काम में था भाई, कोई दिक्कत नहीं गाइस, ऐसा कोई बात नहीं था, तो काम में था। ये मत समझो काम इज इंपॉर्टेंट, को गुस्सा आ गया उसको अभी मैं ठंडा कर लूंगा। अभी अभी भाई ओयो एप्लीकेशन कितने कराड़ में, क्या नाम है वो, साईनाथ वड़ा पाव पहुंच गए हैं, और कराड़ का फेमस वड़ा पाव, इससे अच्छा कराड़ में कोई वड़ा पाव नहीं देता है, ऐसा हमारे दोस्त लोग बोल रहे हैं, हम भी चल के ट्राई करते हैं। और ये देखिए बस स्टैंड के सामने वाली गली में है साईनाथ, साईनाथ वड़ा पाव। और ये देखिए वड़ा पाव और मिर्ची लेके खड़े हैं, जो कभी खाते ही नहीं है ये भाई साहब, खाते ही नहीं है। हमारी किस्मत खराब है आज, वड़ा पाव खाने, लेकिन वड़ा पाव एकदम इसको कहते हैं पोपट होना, एक भी नहीं है भैया, कुछ नहीं टेस्ट के लिए भी नहीं है, टेस्ट के लिए भी नहीं। चलो आगे चाय पी के, चाय इसको वहाँ पर पकड़ाऊंगा, लेकिन कभी खाने नहीं दूंगा। चाय इज लव गाइस, हम जाएं और हम चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता है। चाय गाइस, गुजरात में टेस्टी चाय पी थी, और गुजरात के बाद आज यहाँ पे इतनी टेस्टी चाय महाराष्ट्र में पी रहा हूँ, वरना महाराष्ट्र में तो इतनी चीनी डाल देते चाय में, तो मैंने एक बार पूछा भाई इतनी चीनी क्यों डालते हो, तो बोलते ताकि आदमी दोबारा चाय ना पिए। हाँ ये हो चुका है, हो चुका है, हम लोग कहीं जा रहे थे ट्रिप में। चाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चाय पी रहा हूँ, ठीक है मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या। गाइस अवधूत भाई घर जाते हुए बाप बन गए हैं, तो अपने बच्चे को खिलाएंगे, वैसे एक्सक्यूज नहीं दिया आज इसने कुछ, अच्छा लगा। बाकी इतना एक्सक्यूज देता है कि एक्सक्यूज ही मर जाता है। क्या भाई, क्या भाई, सही बोला ना भाई, एकदम सही है। ये अभी हमारे सोने का टाइम हो गया भाई साहब, अब मेरा चांदी, ओ ये इतले तो जाए तो पुलिस आओ, मुंबई ला म्हणतोय हो, चल अभी निकलूंगा मुंबई, इधर से सीधा 5 घंटे बाद कॉल करेगा, मैं रहूंगा मुंबई में। चलो सौ का टेंशन नहीं, सौ का जाओ का, सुनना सुनना 1000 रुपए में सेट कर, फिर बोल मेरे को जाके बात करता हूँ अभी, ट्रिप दे मेरे को, पहला मैं लेता हूँ उसको। देता है कि नहीं तेरे को, सेठ हाउस आवा आंखी से और गाड़ी का लूना, चल चल बाय बाय बाय, पूरा घर तक छोड़ गया हो क्या भाई? नहीं नहीं जाऊंगा भाई, अभी किधर गया तू, मेरे वीडियो में दिख नहीं रहा। बाय बाय, मिलते हैं कल, कल मिलते हैं सुबह, आज कल एंजॉय करेंगे, आज तो वड़ा पाव खाने गए थे लेकिन मिला तो नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है चलो बाय बाय डैनी, बाय मिलते हैं कल, कल मिलते हैं। रोड पे आगे चला के बैठे हैं, मुंह छुपा रहे हैं पता नहीं क्यों, क्या लगा है मुंह में आपके बताइए हमको जरा, अब जनता जवाब मांगती है, कृपया जवाब दीजिए। गाइस अभी सब लोग को ड्रॉप कर दिया है और हम भी घर जा रहे हैं, क्योंकि लेट हो रहा है, 9:30 हो गया है, नहीं तो घर वाले मारेंगे लखानी के जूते से। तो चलिए घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो हे गाइस अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और जाके देखते हैं मम्मी ने क्या खाना बनाया है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। महारानी को पप्पा के ऊपर लेटी हैं, हैं हैं यहाँ, ए म्याऊ म्याऊ, भाव खा रही हो तुम, हैं भाव खा रही हो, सुबह से भाव खा रही हो, हैं हैं, आओ ये रही मम्मी, और हम लोग के लिए डिनर तैयार हो चुका है। डिनर तैयार नहीं हुआ क्या, कहाँ गया? हो गया तैयार खाना, तो हम लोग खा लिया हमने, हाँ
गाइस, ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में कि मम्मी ने हमसे पहले खाना खा लिया। गाइस चलिए खाना खा के मिलते हैं और मियाओ मियाओ को एक बार और पकड़ते हैं। इस बार अपने अपने गोदी में लेंगे मियाओ मियाओ को और आपके साथ दोस्ती कराएंगे। ए मियाओ 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 मेरे सब्सक्राइबर को हाय बोलो। हाय हाय बोलो हाय बोलो हाय। हे गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज। हाँ देखा गाइस ये भी बोल रही है तो आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू मियाओ मियाओ। डर गई है भैया, ये हम दोनों से बहुत ज्यादा डरती है, पता नहीं क्यों जब भी हम लोग आते हैं इसकी। नहीं गाइस पहली बार आए थे तो उसको करीब 4-5 दिन लग गए थे हमको पहचान करने में और इस बार तो हमें पहली बार में पहचान गई। म्याओ म्याओ। तो वैसे इसके सबसे ज्यादा पसंदीदा है पापा, तो ये उनके साथ ही रहती है। वैसे हम लोग के पास आते हैं इसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो गाइस देखिए उसका बिस्तर है वो, हटो जी दिखाने दो, वो देखिए गाइस पापा के बगल में सो गई। पर बात क्यों रही है अभी? ना वो ढूंढ रही कुछ, तो सी फाइंड समथिंग। चलिए हम लोग खाना खा के मिलते हैं। नमस्कार।